आखिर क्या कारण है कि दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद भी उसकी इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है? उसे पसंद करने वालों की संख्या कम नहीं हुई है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग मरने वालों को भूल जाते हैं, धीरे धीरे उनके दोस्तों की संख्या भी कम हो जाती है और ऐसी सिचुएशन में वो गुमनाम होकर रह जाते हैं। लेकिन दुर्लभ कश्यप एक ऐसा गैंगस्टर था जो कम उम्र में ही दुनिया को छोड़ गया, लेकिन इसके बावजूद उसके चाहने वालों के लोगों में वो आज भी जिंदा है। हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक आप बने रहिए, हम आपको बताने जा रहे हैं आखिर क्यों दुर्लभ कश्यप मरकर भी जिंदा है। उज्जैन का रहने वाला दुर्लभ कश्यप 18 साल का नहीं हुआ, लेकिन लोगों में उसके चर्चे आम होने लगे। इसके पीछे कारण भी था। दुर्लभ ने अपने लुक को कुछ ऐसा बना रखा था जो उसे सबसे अलग दिखाता था। इतना ही नहीं, नई पीढ़ी के नौजवान होते लड़के उसके लुक को देखकर इम्प्रेस हो जाते थे। माथे पर लाल टीका, वो भी कुछ इस तरीके का, आंखों में गहरा काजल, काली शर्ट या कुर्ते के ऊपर सफेद गमछा। जी हाँ, दुर्लभ कश्यप का कुछ इसी तरह का लुक सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को देखने को मिला। साल 2018 में चुनाव का समय था और पुलिस प्रशासन के ऊपर शांति व्यवस्था बनाए रखने का दबाव भी था। इसी वजह से पुलिस प्रशासन उपद्रव फैलाने की आशंका के चलते पेशेवर अपराधियों को पकड़कर उन पर नियंत्रण हासिल कर रही थी। उस समय उज्जैन के तत्कालीन एसपी थे सचिन अतुलकर। ये वही सचिन अतुलकर थे जिनकी फिटनेस के चर्चे उनके दोस्तों के साथ साथ उनकी तस्वीरों को देखने वालों के बीच भी होते थे। किसी बॉलीवुड स्टार की तरह नजर आता उनका ये गठीला बदन उन्हें लोकप्रियता दिला रहा था। लेकिन सचिन अतुलकर जिस अपराधी को मीडिया के सामने पेश करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया उस अपराधी को चेहरे से नहीं पहचानती थी। लेकिन उसका नाम मीडिया के साथ साथ लोगों में कुछ इस कदर चर्चा में था कि उसका चेहरा देखने की ललक सभी में थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच मीडिया ने सवाल पूछा कि इनमें से दुर्लभ कश्यप कौन है, तो उज्जैन के पुलिस कप्तान ने बताया कि दुर्लभ कश्यप खुद अपना हाथ उठाकर अपनी पहचान बताएगा। वो शक्ल से ही नाबालिग लग रहा था, लेकिन दुर्लभ कश्यप ने जिस अंदाज में मीडिया के सामने अपनी फटी हुई शर्ट पहने ही अपना हाथ उठाया, उसका ये अंदाज और वीडियो वायरल होता चला गया और उसे एक बड़ी पहचान मिल गई। आपको बता दें कि फिलहाल दुर्लभ कश्यप इस दुनिया में नहीं है, वो एक गैंग वॉर में मारा जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी फैन फॉलोइंग बनी हुई है। वीडियो पर आए नए साथियों से हम कहना चाहते हैं कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दरअसल पुलिस ने दुर्लभ कश्यप को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया और दुर्लभ कश्यप और उसके साथियों को अरेस्ट करके प्रदेश के अलग अलग जिलों में भेज दिया गया, जिसमें से दुर्लभ कश्यप को जबलपुर सेंट्रल जेल भेजा गया। यहां दुर्लभ कश्यप ने पुलिस के एक्शन के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की। दुर्लभ कश्यप अभी नाबालिग था, उसके बालिग होने में कुछ महीनों का वक्त बाकी था। दुर्लभ कश्यप ने नाबालिग स्टेटस का बेनिफिट उठाया और जब कंप्लेंट फाइल की तो जबलपुर हाईकोर्ट ने उसकी बात को एक्सेप्ट किया। अप्रैल 2019 में जबलपुर हाईकोर्ट ने दुर्लभ कश्यप के पक्ष में फैसला सुनाया। उसके बाद उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। बाल सुधार गृह में समय बिताने के बाद जब दुर्लभ कश्यप बाहर निकला तो उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर इंदौर में एक फ्लैट किराए पर लिया, जहां उसका दोस्त राजदीप मंडलोई भी उसके साथ रह रहा था। उसने बताया कि इस बार दुर्लभ पूरी तरह से बदल चुका था। राजदीप ने बताया कि दुर्लभ नशा करना छोड़ चुका था और अब वो किसी बिजनेस को शुरू करने के बारे में योजना बना रहा था। इस बीच कोविड-19 के पेंडेमिक ने पूरी दुनिया में अपने पैर फैला लिए, इसी के चलते लॉकडाउन भी लग गया। दुर्लभ इंदौर का फ्लाइट छोड़कर वापस उज्जैन आ गया और फिर से अपनी माँ के साथ रहने लगा। सितंबर 2020 में दुर्लभ कश्यप ने अपने कुछ दोस्तों को अपने यहाँ खाने पर बुलाया। इस दौरान दिन का कर्फ्यू तो बंद हो गया, लेकिन नाइट कर्फ्यू जारी था। खाना पीना खाने के बाद दुर्लभ के दोस्तों को जब सिगरेट की तलब लगी तो पता चला कि सिगरेट तो खत्म हो गई है, लॉकडाउन लगा था, इसीलिए कहीं भी सिगरेट के मिलने की संभावना भी नहीं थी। रात के चाय के ठेले भी बंद हो जाया करते थे। तभी दोस्तों के बीच एक मित्र ने दुर्लभ को बताया कि वो हेलावाड़ी इलाके से आ रहा है और वहाँ पर एक ऐसी चाय की दुकान है जो रात भर खुली रहती है। बस फिर क्या था, दुर्लभ अपने दोस्तों के साथ बैठकर हेलावाड़ी स्थित चाय की दुकान की तरफ चल पड़ा। हेलावाड़ी में मौजूद चाय की इस दुकान का मालिक अमन उर्फ भूरा था। इस पूरे क्षेत्र में केकेसी नाम का एक ग्रुप फेमस था, जिसका लीडर रमीज था। केकेसी का फुल फॉर्म कुत्ता
छोटा कमीना चीज हुआ करता था। अमन और रमेश दोनों भाई भाई थे। चाय की दुकान पर दुर्लभ और उसके अपोनेंट गैंग के बीच मारपीट हुई और इस मारपीट के दौरान दुर्लभ कश्यप मारा गया। कुछ समय के बाद जब पुलिस वहां पर पहुंची तो दुर्लभ कश्यप की डेड बॉडी अधनंगी अवस्था में मौजूद थी। उसके शरीर पर चाकुओं से गोदे जाने के 30 निशान मौजूद थे। इसके बाद दुर्लभ कश्यप की शव यात्रा को एक इवेंट की तरह सोशल मीडिया पर प्लांट किया गया। उसे एक स्टार की तरह रिप्रेजेंट किया गया। उसकी छोटे सी इमेज को इतना बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया कि वो एक गैंगस्टर बन गया। गगन बादल उस समय उज्जैन के जीवाजीगंज के अधीक्षक हुआ करते थे। उनका कहना है कि दुर्लभ कश्यप एक सामान्य अपराधी था। उसके ऊपर मारपीट, चाकूबाजी जैसे सामान्य अपराध दर्ज थे, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए उसकी मौत के बाद दुर्लभ कश्यप की इमेज को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। उसे सोशल मीडिया के जरिए एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बताया गया। एक नजर दुर्लभ कश्यप के बचपन से लेकर जवानी की दहलीज तक के जीवन पर डालें तो दुर्लभ का जन्म साल 2001 में हुआ। पिता का नाम मनोज कश्यप था, जिनकी अपनी पत्नी से नहीं बनती थी और माता पिता अलग अलग रहते थे। यहाँ पर दुर्लभ कश्यप अपनी माँ के साथ रहा करता था। वो उज्जैन के एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन 10वीं के बाद उसके कदम पढ़ाई लिखाई की जगह किसी और रास्ते पर पड़ चले। वो 10वीं में फेल हो गया, लेकिन उज्जैन में हर साल गणतंत्र दिवस पर एक बाइक रैली निकाली जाती है। फ्रीगंज से होकर निकलने वाली इस रैली में डीजे और खाने पीने का इंतजाम भी होता है। इस बार ये तमाम इंतजाम दुर्लभ कश्यप के जिम्मे थे। रैली के पोस्टरों में इसकी भी बड़ी बड़ी फोटोज लगी थी। इसे लोकप्रियता का नशा चढ़ने लगा। लोगों के बीच फेमस होने और गैंगस्टरों के बीच अपनी घुसपैठ बनाने के चक्कर में दुर्लभ कश्यप ने उस समय के आपराधिक तत्वों से संबंध बनाना शुरू किया। इसी सिलसिले में दुर्लभ को हेमंत उर्फ बोखला का साथ मिला और इसने अपराध के रास्ते पर रफ्तार पकड़ ली। ये घटना फरवरी 2017 की है, जब पुलिस ने पहली बार इस पर एक 18 साल के लड़के के ऊपर चाकू से हमला करने के अपराध में मामला पंजीबद्ध किया। पुलिस सूत्रों की माने उज्जैन का दानी गेट एरिया दागर और डाग परिवार के बीच वर्चस्व की लड़ाई का केंद्र बन गया और इस दबदबे की लड़ाई का मुख्य मुद्दा उज्जैन के कार्तिक मेले के दौरान गाड़ियों की पार्किंग का कॉन्ट्रैक्ट था। अपने दोस्त हेमंत बोखला के जरिए दुर्लभ कश्यप का संपर्क डागर परिवार के करीबी राहुल किलोसिया से हो गया। राहुल को अपने साथ काम करने वाले लड़कों की जरूरत थी और दुर्लभ के पास काम करने वाले लड़के मौजूद थे। कुल मिलाकर डागर परिवार में इन लड़कों को शरण मिलने लगी। शहर के बाहर एक फार्म हाउस को इनके लिए खोल दिया गया, जहां लड़के अपने हिसाब से आते जाते नशा करते पड़ते रहते थे। ये लड़के किसी भी समय किसी भी अपराध को अंजाम देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। ये घटना 11 से 12 जनवरी की रात की है, जब दुर्लभ कश्यप के लड़कों का सामना डाग परिवार के लड़कों से हुआ। अच्छी खासी मारपीट हुई, दोनों तरफ से लड़के घायल भी हुए, जो इलाज के लिए सिविल अस्पताल पहुंचे। डाग परिवार के अर्पित और कान्हा पर चाकू से इतना हमला हुआ कि उसकी मौत ही हो गई। जनवरी 2018 में पुलिस ने पहली बार हत्या का मुकदमा दर्ज किया। दुर्लभ और उसके साथियों को अरेस्ट किया गया, जिसमें से दुर्लभ के साथ साथ उसका एक साथी राजदीप नाबालिग था, इसलिए इन दोनों को बाल सुधार गृह भेजा गया, जहां से इन दोनों को जमानत मिल गई। दानी गेट इलाके में दुर्लभ और उसके साथी अक्सर शमशान में बैठा करते थे, जहां लोग कंधे पर गमछा डाला करते थे। अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए दुर्लभ गैंग के लड़कों ने भी कंधे पर गमछा डालना शुरू किया। माथे पर तिलक, कंधे पर गमछा, इस गेम की पहचान बन गया। मध्य प्रदेश के भोपाल के कोहे फिजा इलाके से पुलिस ने 19 साल के शिव कुमार धुर्वे को गिरफ्तार किया, जिस पर लगभग 4 चौकीदारों की हत्या करने का आरोप था। उसने बताया कि उसने ये हत्याएं दुर्लभ कश्यप की तरह मशहूर होने के लिए की। ड्यूटी पर सोना उसे पसंद नहीं, ये सभी चौकीदार ड्यूटी पर सो रहे थे। तो ये थी कहानी दुर्लभ कश्यप की। कैसी लगी वीडियो पर आप कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।